Now let us move on the next problem, which is based on the rotating magnetic field. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए थ्री फेस 50 हर्ट्स इंडक्शन मोटर हैज़ ए फुल लोड स्पीड ऑफ 960 RPM। यानी कि यहाँ पे गिवन है रोटर स्पीड कितना, गिवन है 960 RPM। ठीक है, रोटर रोटेट हो रहा है एट द स्पीड ऑफ 960 RPM, फुल लोड स्पीड है ये। ओके, अब सप्लाई दी गई है 3 फेस 50 हर्ट्स। ठीक, इतना ही गिवन है। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स बताइए। दूसरी चीज पूछी गई है, यहाँ पे आपको बताना है नंबर ऑफ पोल्स। दूसरी चीज पूछी गई है स्लिप फ्रीक्वेंसी, यानी कि रोटर की फ्रीक्वेंसी जो कि निकल के आता है एस इंटू एफ से। ठीक है, थर्ड इज स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, यानी कि स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहला निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, सेकेंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, और थर्ड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। क्या निकालना है हमें, ये निकालना है रोटर फील्ड की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस एंड दिस। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ पोल्स। ओके, मैंने क्या बताया था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स के साथ आप डील करेंगे तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। वो एक्सप्रेशन है रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू एक्चुअल स्पीड माइनस रेफरेंस स्पीड। ठीक, ये आपको रिलेशन याद रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें पोल्स नहीं पता और ना ही हमें सिंक्रोनस स्पीड पता है। भाई सिंक्रोनस स्पीड यदि पता होता तो हम 120 F अपॉन P का फॉर्मूला यूज़ करके नंबर ऑफ पोल्स, वी कैन ईजली कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स बाई यूजिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन में आपका सिंक्रोनस स्पीड भी कहीं नहीं दिया हुआ है और ना नंबर ऑफ पोल्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पोल्स नहीं है तो सिंक्रोनस स्पीड नहीं निकाल सकते, और सिंक्रोनस स्पीड नहीं है तो नंबर ऑफ पोल्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट एक चीज़ दी हुई है रोटर स्पीड। देखो यदि इस टाइप की दुविधा में यदि आप लोग फंस जाओ तो सबसे सही रहता है कि जो रोटर की जो स्पीड दी होती है उसी के आसपास की वैल्यू जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। यहाँ पे देखिए, यदि रोटर स्पीड 960 RPM है तो सिंक्रोनस स्पीड इसकी पास की वैल्यू लेंगे, यानी कि हम इसकी सिंक्रोनस स्पीड ले लेंगे 1000 RPM। ये हमने ले लिया। अब 1000 RPM लेंगे तो इससे हम नंबर ऑफ पोल्स प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ पोल्स होने चाहिए इस पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर के लिए। तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM रखेंगे इक्वल्स टू 120
इनटू फ्रीक्वेंसी, क्या दिया हुआ है 50 हर्ट्ज एंड नंबर ऑफ पोल्स, राइट। सो नंबर ऑफ पोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ पोल्स आपका आएगा, द नंबर ऑफ पोल्स विल कम आउट टू बी 6, ये आपकी नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू आ गई, यानी कि पहले का आंसर आ गया 6। नाउ नेक्स्ट इज, इसको ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि s इंटू एफ होता है, बट हमें स्लिप नहीं पता। तो स्लिप क्या होता है, ns माइनस nr अपॉन ns, ठीक है। ns की वैल्यू हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम करेंगे, 1000 rpm एज्यूम किया, यानी कि रोटर की स्पीड की, रोटर स्पीड की जो वैल्यू है उसकी नियर बाय वैल्यू, आसपास की वैल्यू हम इसको एज्यूम करेंगे। तो 1000 rpm माइनस 960 rpm डिवाइडेड बाय 1000 rpm, तो आई थिंक स्लिप आपका आना चाहिए 0.04 स्लिप की वैल्यू आएगा, राइट। ठीक, अच्छा स्लिप की वैल्यू आई तो रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, रोटर फ्रीक्वेंसी होता है s इंटू एफ, तो 0.04 इंटू 50 हर्ट्ज 4/100 इंटू 50 0 0 और 5/4 20, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 2 हर्ट्ज। तो यहाँ पे रोटर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे नहीं, क्या आया, 2 हर्ट्ज आया, 2 हर्ट्ज वैल्यू आया रोटर फ्रीक्वेंसी की। थर्ड की बात करते हैं, सबसे पहले पूछा गया है स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, ठीक है। अब थोड़ा इस एक्सप्रेशन में हम जाएंगे, कौन से वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर। एक्चुअल स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, यानी कि क्या, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू बात हो रही है, ठीक है। और रेफरेंस स्पीड यानी कि रोटर की स्पीड, तो डायरेक्ट हमें यह पता है कि एक्चुअल स्पीड यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर 1000 rpm है, ठीक है। रोटर स्पीड दिया हुआ है 960 rpm, तो क्या आएगा आंसर, 40 rpm, ठीक, 40 rpm आएगी वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट पूछा है, ये आ गया 40 rpm। नेक्स्ट पूछा है स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है सिंक्रोनस स्पीड की, ये हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड की। तो सिंक्रोनस स्पीड हमने
क्या एज्यूम किया, रोटर स्पीड की जो वैल्यू है उसके पास की वैल्यू एज्यूम किया, यानी कि ये भी जो आएगा ये इसकी इसका आंसर क्या आएगा, 1000 RPM। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड। देखो किसी भी चीज की स्पीड, यदि मान लो कोई ग्राउंड है, है ना, ग्राउंड में कोई एथलीट्स रनिंग कर रहा है, ठीक है, मान के चलो ये रनिंग कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो इसकी जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 40 किलोमीटर पर आवर है, मगर इसकी स्पीड, बंदे की स्पीड यानी कि एथलीट की स्पीड एथलीट के रिस्पेक्ट में तो जीरो है भाई, यानी कि कोई भी चीज की स्पीड किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो, बट किसी भी चीज की स्पीड उसी के रिस्पेक्ट में आप नहीं निकाल सकते, वो हमेशा जीरो ही रहेगी। तो इसलिए रोटर मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू उसी के रिस्पेक्ट में आपकी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रॉब्लम में अपना जो कंसेप्ट है वो अप्रोच कर सकते हैं, किस टाइप से अप्रोच करना चाहिए हमें प्रॉब्लम्स में, वो मैंने बता दिया। ठीक, इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम से आप एक और प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो ये है चलिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो क्या क्या गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कौन से मोटर की बात हो रही है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात हुई, इसमें 4 पोल 3 फेस, ठीक है, 3 फेस 4 पोल की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इट इज गिवन, ओके, बट दिस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज एक्चुअली मैकेनिकली कपल्ड विद अ सिंक्रोनस मोटर विच हैविंग 2 poles, ओके, एंड द सिंक्रोनस मोटर एंड स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर आर फेड फ्रॉम 50 Hz voltage source. Are fed from 50 Hz voltage source. What will be the frequency of EMFs at the rotor terminal if the synchronous motor is driven? Right. तो सबसे पहले तो देखो synchronous motor की जो speed होती है वो तो constant होती है, वो coupled है slip ring induction motor के साथ, तो जो रोटर की स्पीड आपकी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड कैसे निकालेंगे, 120 × F/P, तो 120 फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज दिया है, 50 और पोल्स कितना दिया है, 2 पोल्स दिया है, तो 2 × 6 = 12, तो ये आएगा आपका 3000 RPM, है ना, तो ये कपल्ड है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ, तो ये यही आपका रोटर की स्पीड कहलाएगी, यही आपकी रोटर की स्पीड कहलाएगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो सप्लाई गई है। ठीक, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यानी कि NS, ये सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है, और हम NS निकालेंगे इंडक्शन मोटर की, NS निकालेंगे इंडक्शन मोटर की। तो NS जो निकलेगा इंडक्शन मोटर का, वो निकलेगा अगेन वही फॉर्मूला है 120 F अपॉन P। फिर से देखो, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो पोल्स दिया हुआ है वो कितना दिया है, वो दिया है 4, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्स। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस मतलब इंडक्शन मोटर की बात हो रही है तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या होगा, और रोटर की स्पीड कैसे निकालते हैं, वो इस टाइप से निकालते हैं। रोटर की स्पीड मतलब सिंक्रोनस मोटर कपल्ड था, तो इंडक्शन मोटर के साथ जब सिंक्रोनस मोटर कपल्ड है तो सिंक्रोनस मोटर विल ट्रीट एज अ रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर। सो डैट्स वाई, और हमें पता है कि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, तो वो होती है 120 F अपॉन P, है ना। तो इससे हमने रोटर की स्पीड निकाल लिया। नाउ फर्स्ट पूछा गया है, फर्स्ट इज डैट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इंडक्शन मोटर स्टेटर रोटेटिंग फील्ड, राइट। सो देखो, स्लिप जो होता है वो होता है NS-NR/NS, ये होती है। अब ये जो होता है, ये होता है इन दी सेम डायरेक्शन, इन दी सेम डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन के केस में होता है NS+NR/NS, ये होता है अपोजिट डायरेक्शन के केस में। ये होती है अपोजिट डायरेक्शन के केस में। तो अपोजिट डायरेक्शन का हमें पूछा गया है ना, हमें ये निकालना है अपोजिट डायरेक्शन के केस में। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ठीक है, हमें NS पता है, NR पता है, तो निकाल लेंगे। S=NS की वैल्यू कितनी दी हुई है, NS की वैल्यू इज 1500 RPM प्लस 3000 RPM डिवाइडेड बाय कितना, 1500। तो क्या आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 3। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू हमने निकाला, यानी कि क्या निकालना, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, तो ओके, रोटर टर्मिनल की, तो स्लिप फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, स्लिप फ्रीक्वेंसी हो जाएगी S×F, स्लिप इज 3 और F दिया है कितना, 50 हर्ट्स। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 150 हर्ट्स। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर स्टेटर रोटेटिंग फील्ड। तो इस केस में इन द डायरेक्शन यानी कि इन द सेम डायरेक्शन, इस केस में स्लिप क्या होता है, S=NS-NR/NS, ये हो जाएगा 1500 माइनस 3000
डिवाइडेड बाय 1500, ये आपका माइनस वन आएगा, बट इसमें नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर नेगेटिव साइन, राइट। तो इसकी स्लिप फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी वो आएगा एस इंटू एफ। एस क्या आया? एस कितना आया? प्लस वन। माइनस साइन को इग्नोर करेंगे ना, तो वन इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 50। तो ये आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। ये आपका क्या आएगा? 50 हर्ट्ज। ओके, तो फर्स्ट केस में जो फ्रीक्वेंसी आया आपका 150 हर्ट्ज आएगा, और सेकंड केस में जो फ्रीक्वेंसी आया वो आपका आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, सी की। नो, यहाँ पे क्या बोला गया है? इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू बी 300 हर्ट्ज। 300 हर्ट्ज क्या दिया है? रोटर की फ्रीक्वेंसी। Then calculate the number of poles that the induction motor must have. रोटर की फ्रीक्वेंसी दी है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें? स्लिप निकालते हैं। चलो, तो 300 हर्ट्ज इक्वल्स टू एस इंटू फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे हम? 50 लेंगे। तो स्लिप आपका आएगा 6 आएगा, 6 स्लिप आपका आएगा 6। ठीक है, नौ। अब यहाँ पे देखिए कि स्लिप 6 यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू है। ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अपोजिट घूमने से ही आ सकता है, एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस से आएगा 6। एन एस और एन आर तो भाई फिक्स है, 3000 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक है, तो इससे जो एन एस आएगा वो आपका आएगा 6000 आरपीएम, सॉरी 600 आरपीएम। ठीक, फिर इसी एन एस का यूज करके आपकी आपका पोल्स आ जाएगा।
यानी कि 120 F अपॉन P, तो 600 इक्वल्स टू 120 × 50 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स तो निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी 10। तो इस टाइप से नंबर ऑफ पोल्स आपका निकल के आएगा। जब हम जब रोटर की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज होगी तब, ठीक है, जब रोटर की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज होगी तब जाके आपकी जो नंबर ऑफ पोल्स जो होगा वो 10 होगा, उसके कारण आपकी रोटर की फ्रीक्वेंसी आएगी 300 हर्ट्स। तो ये सारे आपके आज के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो किस टाइप से अप्रोच लगाना है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे, वो मैंने सारे मेथड्स बता दिए हैं कि कैसे कहाँ पे कौन से सिचुएशंस में स्लिप की स्पीड क्या होगी, या फिर स्लिप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, कोई भी मोटर जब किसी भी सिंक्रोनस मोटर के साथ मैकेनिकली कपल्ड होगा तो उस केस में हम रोटर की स्पीड क्या लेंगे, तो उन सारे उन तमाम चीज़ों का डिस्कशन आज हमने किया। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स में आप लोग को डिफ़िकल्टी जाती है तो कमेंट करके बताइए, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए ठीक है, पढ़ाई करिए और ध्यान रखिए आप लोग अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।